क्या आप सेफ हैं? अभी जो आपके हाथ में फोन है वो अचानक फट जाए तो आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम चुटकियों में। दरअसल लेबनान में जो हुआ है उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अचानक लोगों के जेबों में रखा एक छोटा सा डिवाइस जिसे पेजर कहते हैं वो फटने लगा। लोगों को ऐसा लगा जैसे गोली मार दी गई। और सबसे बड़ी बात, ये पेजर खुद नहीं फटा बल्कि इसे फोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, लोगों को टारगेट कर पेजर के जरिए हमला। सोचिए, अगर पेजर जैसे डिवाइस के जरिए हमला किया जा सकता है तो फिर मोबाइल से हमला कितना आसान होगा। ये तो और इजी हो सकता है। दरअसल लेबनान में ये एक ऐसा अटैक था कि एक ही वक्त में पूरे लेबनान में हिजबुल्ला वालों के पास जो पेजर थे उसमें जोरदार धमाका हुआ। इन विस्फोटों में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि करीब 3,000 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस अटैक ने लेबनान, हिजबुल्ला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब सवाल यह उठता है कि यह आखिर पेजर है क्या? मोबाइल के दौर में हिजबुल्ला इसका इस्तेमाल क्यों करता है और इसमें विस्फोट कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, पेजर से जब ऐसा हो सकता है तो आपका मोबाइल कितना सेफ है? चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसे बीपर के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी सी होती है जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल 2 तरह से मैसेज भेजने के लिए होता है, वॉइस मैसेज और दूसरा अल्फा न्यूमरिक मैसेज। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर्स विस्फोट हुए हैं वो अल्फा न्यूमरिक हैं। पेजर से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेब का इस्तेमाल होता है। इसे वेब स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है। एडवांस पेजर्स को फोन नंबर की तरह कोड नंबर दिए जाते हैं। उस कोड को डायल करने पर सिर्फ उसी पेजर में मैसेज ट्रांसफर होते हैं। ये बातचीत का बेहद सिक्योर मीडियम माना जाता है। इसे आसानी से कोई सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती है। इस तरह के डिवाइस को ट्रेस करने के लिए उसकी रेंज में होना जरूरी होता है। पेजर में ना GPS होता है ना ही इसका कोई IP एड्रेस होता है जिससे इसे मोबाइल फोन की तरह ट्रेस किया जा सके। पेजर का नंबर बदला भी जा सकता है, इसकी वजह से पेजर का पता लगाना आसान नहीं होता है। पेजर की खासियत है कि एक बार चार्ज होने पर यह 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक यूज भी किया जा सकता है जबकि मोबाइल को 1 या 2 दिन में चार्ज करना होता है। यही वजह है कि इसे रिमोट लोकेशन यानी कि दूर दराज इलाकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हिजबुल्ला आखिर पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करता है ये भी सवाल है। दरअसल माना ये जाता है कि वहाँ टेलीफोन सुरक्षित नहीं है। जैसे हिजबुल्ला लेबनान हो गया, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वो ट्रैक किया जा सकता है और इसके ज़रिए हमले भी हुए हैं। कई बार ऐसा देखा गया जिसकी वजह से हमास हो या हिजबुल्ला हो या दुनिया भर में इसराइल के दुश्मन जो सतर्क होना चाहते हैं वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। हमास ने जहाँ सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वहीं हिजबुल्ला ने रेडियो वेव से चलने वाले पेजर को अपनाना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के बाद हिजबुल्ला ने पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू कर दिया था ताकि इसराइल की खुफिया एजेंसी उन्हें ट्रैक न कर पाए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पेजर्स काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है और सिक्योर भी है। आतंकियों और दुश्मनों से निपटने में इसराइल जितना इस्तेमाल सेना का करता है उतना ही तकनीक और खुफिया एजेंसी का भी करता है। बीते करीब 1 साल से इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। इस बीच इसराइल ने हिजबुल्ला पर चौंकाने वाला अटैक किया। पूरे लेबनान में हिजबुल्ला वालों के पास जो पेजर थे उसमें 1 साथ जोरदार धमाका हुआ। हालांकि अब तक इसराइल की ओर से इन पेजर विस्फोटों पर कुछ कहा नहीं गया। पेजरों में धमाके मंगलवार के दोपहर को शुरू हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में पेजर फटने लगे। कई लोगों ने बताया कि लोगों की जेबों में रखे
पेजर फटने लगे और धुआं उठता देखा गया। ये विस्फोट ऐसे थे जैसे किसी ने गोली मारी हो या फिर पटाखा दाग दिया हो। ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि पेजर अपने आप फट रहे हैं। एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें दिखता है कि एक शख्स के ट्राउजर की जेब में विस्फोट होता है। उस समय वो एक दुकान पर खड़ा होता है। ये क्लिप दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले धमाके के बाद पूरे लेबनान में करीब एक घंटे तक विस्फोट होते रहे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे। इन सभी की एक ही शिकायत थी कि पेजर फटने से उनकी ये हालत हुई है। 9 लोग तो ऐसे थे जिनकी पेजर ब्लास्ट में मौके पर ही मौत हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर इजराइल की टेक्नोलॉजी आगे है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इजराइल ने कैसे कराया ये पेजरों में ब्लास्ट, इजराइल ने कैसे कराया? ये सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है। आखिर कैसे हिजबुल्ला के पेजरों में अचानक से ब्लास्ट होने लगे? कुछ लोगों का कहना है कि इजरायली एजेंसी ने इन पेजरों को हैक कर लिया और इसके चलते बैटरीज को उस लेवल तक ले जाया गया कि वो ओवरहीट हो गई और फिर डिवाइस ही फट गई। वहीं कुछ जानकारों का ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही खेल कर दिया गया। इसके तहत एक निश्चित मात्रा में इन पेजरों में विस्फोटक डाल दिया गया और फिर कोडेड मैसेज भेजकर सभी में एक साथ विस्फोट करा दिया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन पेजरों में लगभग 3 ग्राम विस्फोटक डाला गया था। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि इजराइल ने ये जानकारी जुटा ली थी कि हिजबुल्ला जो है वो पेजर ऑर्डर काफी ज्यादा कर रहा है। इसके बाद उसने उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ही छेड़छाड़ कर दी। एक सैन्य जानकार के अनुसार ऐसी डिवाइसेस में भी 15 से 20 ग्राम तक विस्फोटक छिपाया जा सकता है। इसे एक फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भीतर रखा जा सकता है। इसके बाद डिवाइस पर एक कोडेड मैसेज भेजकर विस्फोट कराया जा सकता है। इस घटना ने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। मोबाइल, टीवी जैसे तमाम गैजेट्स को लेकर भी लोगों में अब चिंता दिखाई देने लगी है। वहीं देखा जाए तो इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन लेबनान के पीएम और हिजबुल्ला ने इजराइल पर आरोप लगाया है। पीएम नजीब मिकाती ने कहा है कि ऐसे धमाके लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। वहीं हिजबुल्ला ने कहा है कि हम इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं और उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। वहीं ये जो तरीका था ये देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो हिजबुल्ला पर हुआ ये हमला पहले से काफी अलग है। इसके जरिए इजराइल ने मैसेज दिया है कि उसके पास इतनी खुफिया तंत्र टेक्नोलॉजी की ताकत है कि वो कहीं भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। लेबनान की इकोनॉमी बेहद कमजोर है, अस्पतालों में संसाधन की कमी है। ऐसे में इस तरह के हमले से वहां के लोगों में हिजबुल्ला के खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट्स पैदा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए इजराइल ने ऐसा हमला किया है ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि इस हमले के बाद दुनिया के कई देशों में जो वीडियोज वायरल जब हुए तो लोग एक तरह से सकते में आ गए और सोचने लगे कि जब ऐसे डिवाइस में अटैक किया जा सकता है तो मोबाइल फोन कहां तक सिक्योर है, या फिर आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस नज़र आते हैं जिस पे आप गेम्स खेलते हैं, या फिर आपके यहाँ टीवी लगी होती है, या फिर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ऑनलाइन अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के अटैक से ये बताया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि कहीं भी और कभी भी किसी के भी अगेंस्ट अटैक किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया। Oh.